Hello guys, I'm Nitish from NTS. Today we'll learn how earthing saves us from electric shock. तो देखते हैं कि अर्थिंग हमें इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचाते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें ये चीज समझना है कि करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वनली, ठीक है। जैसे कि पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है, वैसा ही करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है। करंट फ्लो होगा 9 से 0, 12 से 0, कोई भी एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होगा करंट, ठीक है। ये चीज फीमेल थ्री पिन सॉकेट, ठीक है, ये आप सब देखे होंगे फीमेल थ्री पिन सॉकेट। व्हेनेवर दिस स्विच इज ऑन, दिस विल हैव ए 230 वोल्ट पोटेंशियल, ओके। ये जो हायर पोटेंशियल बन गया। अभी देखिए, ये है ग्राउंड, ग्राउंड को हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं, ग्राउंड हमेशा जीरो पोटेंशियल में होता है, ठीक है। ये हो गया जीरो वोल्ट लोअर पोटेंशियल, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो सॉकेट से ग्राउंड तक करंट फ्लो होगा, ठीक है, क्लियर। कंसिडर करिए कि ये दो ट्रैक आपको दिया गया और आपको भागने के लिए बोला गया, ठीक है। आप कौन सा ट्रैक को चूज करेंगे, डेफिनेटली ए को, क्योंकि ए में हर्डल्स नहीं है, बी में हर्डल्स है। कंसिडर दिस ट्रैक, ओके, इसमें हर्डल्स है, इसमें 5 नंबर को कंसिडर करिए, इसमें हर्डल्स नहीं है, तो जिसमें हर्डल्स है उसको आप नहीं करेंगे चूज, जिसमें हर्डल्स नहीं है उसी को चूज करेंगे। उसी तरह एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक पाथ में, ठीक है, कोई भी लाइन में रेजिस्टेंस इज द हर्डल फॉर करंट फ्लो, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है करंट फ्लो के लिए हर्डल है। अभी 230 वोल्ट को जीरो होने के लिए एक पाथ दिया रेजिस्टेंस से और एक पाथ दिया विदाउट रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो आप बोलिए कौन सा से करंट फ्लो होगा, डेफिनेटली विदाउट रेजिस्टेंस वाला से, बिकॉज रेजिस्टेंस वाला में दैट इज हर्डल, तो रेजिस्टेंस वाला से फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसके पास दूसरा पाथ है जो पाथ में रेजिस्टेंस नहीं है, तो डेफिनेटली द करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस पाथ, नॉट विद दिस पाथ, ओके। नेक्स्ट देखिए, दिस थ्री पिन सॉकेट, ये तो आप सब देखे होंगे। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आयरन बॉक्स, हीटर, सीपीयू, ओके, दिस आर फॉर एग्जाम्पल। सब में ये थ्री पिन सॉकेट होता है, और ये थ्री पिन सॉकेट का जो ए टर्मिनल है, ए पिन है, ये हमेशा इसका बॉडी से कनेक्ट होता है, ठीक है। दिस पिन इज कनेक्टेड टू बॉडी ऑफ आयरन बॉक्स, दिस पिन इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ दैट वाटर हीटर, दिस पिन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ सीपीयू, लाइकवाइज दिस पिन इज कनेक्टेड टू बॉडी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थ्री पिन वाला है तो ए पिन बॉडी से ही कनेक्ट होगा, दिस पिन इज ओनली कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ओके। और आपका घर का वायरिंग जो है वो ऐसा होता है कि दिस फीमेल पोर्ट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। आपका घर में जब भी वायरिंग करा जाएगा, एक ग्राउंड से केबल, केबल नहीं वायर लेके, ये सारा सॉकेट का दिस पोर्ट, दिस फीमेल पोर्ट में कनेक्टेड रहेगा। देखिए, सारा डिवाइस का बॉडी ए सॉकेट से कनेक्टेड है, ए सॉकेट का ए पिन जो है ये पोर्ट में जाता है, ए पोर्ट जो है ग्राउंड में कनेक्टेड है, तो सारा डिवाइस का बॉडी ग्राउंड हो गया, क्लियर। तो अभी देखिए, जब भी कोई भी डिवाइस का बॉडी में करंट आता है, सोचिए आयरन बॉक्स बॉडी करंट हो गया, नहीं तो हीटर बॉडी करंट, सीपीयू बॉडी करंट हो गया, करंट क्या करेगा, बॉडी करंट हो गया बोलने से दिस पिन ए पिन में करंट आ गया, बॉडी करंट हो गया बोलने से ए पिन में करंट आ गया, ए पिन में करंट आ गया बोलने से ए पोर्ट में करंट, ए पोर्ट में करंट बोलने से ग्राउंड। तो बॉडी में करंट आने से वो जो है ए पाथ होके ग्राउंड होगा, बल्कि आप अगर इसको टच करेगा वो आपका बॉडी से होके ग्राउंड नहीं होगा। कॉन्सेप्ट यही है, कोई भी चीज बॉडी करंट हो गया और आप उसको टच किया तो ये क्या करेगा, आपका बॉडी से होके ग्राउंड नहीं होगा, ये जो है इसको एक पाथ है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, यही है। आपका बॉडी अगर होगा तो बॉडी में एक रेजिस्टेंस है, तो 230 वोल्ट बॉडी से होके ग्राउंड नहीं होगा, वो फ्लो होगा कहां से, जो अर्थिंग का पिन है, पिन से ग्राउंड होगा, ये अर्थिंग का पिन, ये बॉडी से टच, बॉडी ये सॉकेट में, ये ग्राउंड, तो ये को है डायरेक्ट फ्लो हो जाएगा सीधा ग्राउंड में। आपका बॉडी से क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉपर्टी यही है कि रेजिस्टेंस वाला पाथ को नहीं लेगा वो, अगर उसके पास दूसरा पाथ है उसी से फ्लो होगा। तो इधर क्या है, आपका बॉडी से होके ग्राउंड होने में उसको रेजिस्टेंस मिलता है, इधर से आप इसको टच किया आपका बॉडी में आया, बॉडी से ग्राउंड होने उसको रेजिस्टेंस है बीच में, और बल्कि ये जो लाइन है बॉडी से ए सॉकेट, ए सॉकेट से ए सॉकेट, ए सॉकेट से फिर गया ग्राउंड, इसमें जो है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यू नेग्लिजिबल बोल सकते रेजिस्टेंस को। तो क्या होता है, ये जो है ए पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। बस यही है कॉन्सेप्ट अर्थिंग का। अगर आपके घर में अर्थिंग प्रॉपर हो तो आपको शॉक बहुत कम लगेगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।